हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है बादल। मैं तो आज मैं आप लोग के लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जितने भी थपकी वाले पैटर्न होते हैं जो कि प्रोग्राम के अंदर बहुत ज्यादा बजाए जाते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं, वो वाले पैटर्न मैं आप लोग के लिए लेके आ चुका हूं। और बहुत ही सिंपल सिंपल पैटर्न है जिनको अगर आप सीख लेते हैं तो किसी भी प्रोग्राम के अंदर आप धूम मचा सकते हो, लोगों से तारीफें पा सकते हो, तालियां बजवा सकते हो। दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने सबसे पहले पैटर्न की तरफ जो कि बहुत ज्यादा सिंपल पैटर्न है। आप लोग को चाटी की तरफ घुमाना है और मेरे साथ आप लोग को फॉलो करना है और आठ गिनती गिननी है। और वो आठ गिनतियां क्या है? 1, 2, 3, 4। अब इसी सेम चार को फिर से रिपीट कर देंगे तो आठ हो जाएगा। 5, 6, 7, 8। बस एक बार और बिल्कुल बारीकी से देखिएगा, बहुत जरूरी चीज है। देखिए, 1, 2, 3, 3 पे थपकी है, 4 हो गया, फिर 5, 6, 7, फिर 7 पे थपकी है, फिर ये 8। एक बार और फिर से ध्यान से देखिएगा, थपकी भी बजाना बताता हूं कैसे बजाएंगे थपकी आप। 1, 2, 3। अब 3 पे थपकी आ गया। अब बहुत लोग को थपकी बजाना नहीं आएगा तो आप लोग को क्या करना है, बहुत जल्दी जल्दी बताता हूं। ये हाथ है, बिल्कुल सीधा सीधा नहीं मारना है तो थपकी बिल्कुल नहीं बजेगी। हाथ को बिल्कुल सीधा रखिए और इतना अंदर ले जाइए। देखिए, इतना अंदर ले जाएंगे, यहां पे थोड़ा सा स्क्वीज पीछे के साइड ऐसे खींचेंगे। देखिए, ऐसे ऐसे खींच लेंगे। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद भगवान भरोसे है। भगवान भरोसे का मतलब यह है कि आपको तुक्का लगाना पड़ेगा, मारते 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 मारते। एक बार में नहीं आता है, जब सब 10 बार 12 बार 15 बार 20 बार मारेंगे तो हाथ में ये बोल आ जाएगा, फिर ये थपकी बजाना स्टार्ट हो जाएगा। और ये नहीं है कि आप सीधे मेरे जैसा ही थपकी बजाएं, पहले आप बिगिनर वाला थपकी बजाएंगे, फिर थोड़ा थोड़ा अच्छा, फिर उससे भी अच्छा बजाने लगेंगे। ठीक है, अब फिर से आठ गिनती पे बढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4, फिर उसके बाद 5, 6, 7। अब आपको मैं बता देता हूं, बेस मेरा थोड़ा अलग तरीके से बजाना है। इसके अंदर क्या करना है, एक पे तो अगर आप दो उंगली से बेस बजाते हैं ऐसे तो दो उंगली से बजाइए, या फिर एक उंगली से बजाते हैं तो एक उंगली से बजाए। मैं दो उंगली से बजाता हूं, मेरी आदत है। इस वजह से करना क्या है, एक पे आपको मारना है बेस, फिर उसके बाद 6 पे ध्यान से 6 पे पहली उंगली से बेस हल्का सा टक करना है, ना तेज नहीं बजाना है। देखिए, ऐसे ऐसे हल्का सा टक करना है, ज्यादा तेज, बहुत लोग तेज बजा देते हैं तो फिर बोल ही खराब हो जाता है। क्या करना है, 6 पे हल्का सा टक और 7 पे फिर वही नॉर्मल वाला बेस बजा देना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कैसे बजाना है। देखिए, स्लो स्लो मैं आपको बीच में हाथ रख के बताता हूं, ध्यान से दोनों तरफ से दिख जाएगा आपको। देखिए, एक पे मारना था, 1, 2, 3 थपकी, 4, ये हो गया पहला लाइन, क्लियर है। 1, 2, 3, 4, पहले आप ये पहली लाइन को अच्छे से सीखे, फिर दूसरी लाइन पे आते हैं। 5, 6 हल्का सा 6, फिर उसके बाद 7 पे थपकी और बेस दोनों 7, फिर उसके बाद 8। ठीक है, क्लियर है पैटर्न, बहुत ही सिंपल सा पैटर्न था। कैसे बजता है ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और ये ठेका बहुत ही ज्यादा फेमस ठेका, कहीं पे भी आप बजाएंगे ना तो कोई सुनेगा तो कहेगा हाँ जी कोई अच्छा ठेका बजा रहा है। ठीक है, सिंपल है, क्लियर है पैटर्न। अब आ जाते हैं दोस्तों हम अपने अगले पैटर्न की तरफ। अगले पैटर्न में आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, सेम यही पैटर्न है, लेकिन इसी पैटर्न को जब हम उल्टा करेंगे तो बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। अब देखिए, 1, 2, 3, 4, फिर इसी चार को फिर से हम दोबारा करेंगे, 5, 6, 7, 8। थपकी 1 पे है और 5 पे थपकी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर है। अब बेस आपको क्या लगाना है, आप लोग समझ गए होंगे, एक पे बेस मारना है नॉर्मल वाला, 6 पे पहली उंगली से हल्का सा टक करना है और 7 पे आप लोग को जो है नॉर्मल बेस बजाना है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, पहली लाइन को इसके अलावा कुछ नहीं बजाना, बस एक पे बेस बजा दो, पहली लाइन खाली रियाज करो बहुत बढ़िया से। देखिए, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा पहला लाइन। दूसरी लाइन, 5, 6, 7, 8, पूरी लाइन को एक बार मैं समझाता हूं एक एक करके पूरा। देखिए, 1, ये बेस वाला हाथ है, इधर जो बजाना है मैं इधर दिखा रहा हूं, ठीक है, इधर करूंगा तो दिखेगा ही नहीं। 1, 2, 3, 4, फिर उसके बाद 5, 6, पहली उंगली,
फिर सात, फिर उसके बाद आठ। अभी धीरे धीरे बजाओ, कितना बढ़िया ठेका है। एक दो तीन, सुनो बिल्कुल मेरे साथ रियाज कीजिए आप लोग। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। ठीक है जी, ये तो थे बहुत ज्यादा फेमस पैटर्न जो कि नॉर्मल जैसे कि छोटे मोटे गानों में, जो स्लो वाले गानों में बजते हैं। अब आ जाते हैं हम थोड़े से जो कि जो फेमस फेमस ठेके जो कि मैंने पिछली वीडियोस में भी मैंने बताए हैं, लेकिन इस वीडियो में 1 2 3 से बताने वाला हूं। बहुत ही सुंदर ठेका है, क्या करना है इसी तरीके से है। अब इसको करना क्या है, एक दो पे हल्का सा टच, तीन पे पहली उंगली, चार पे ऐसे मारना है। ठीक है, एक दो तीन चार हो जाएगा, एक दो तीन चार। ये मेरा सबसे पसंदीदा ठेका, कहीं भी प्रोग्राम होता है ना मैं वहां पे इस पैटर्न को यूज करता हूं। तो जरूर इसको सीख लीजिएगा, थोड़ा सा कठिन आया है, सह लीजिए लेकिन इसको सीख लीजिए। देखिए, एक दो तीन चार, अब इसी चार को रिपीट करेंगे, पांच छ सात आठ। ये वाली पहली जो आठ गिनती है ना, इसको पहले क्लियर कीजिएगा, उस बेस पे मत आइएगा। जब तक ये क्लियर ना हो तब तक बेस पे नहीं आना। देखिए, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ हो जाएगा, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ। ठीक है जी, बहुत सिंपल पैटर्न है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग के सामने बहुत ही सुंदर क्वालिटी की प्लेन में पक्के शीशे में आप लोग को ढोलक दिखाई दे रही हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ जानी है रूपचंद जी के पास। बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छा वो भी ढोलक बजाते हैं। तो उनको वो कह रहे थे कि मेरे को एक बहुत अच्छी क्वालिटी की ढोलक चाहिए, अच्छी साइज में ढोलक चाहिए। तो मैंने उनके लिए एक अच्छा ढोलक बनवाया है। अगर इस टाइप की ढोलक, आपने तो साउंड सुना ही है कितना बढ़िया साउंड आ रहा है इस ढोलक का, अगर इस टाइप की ढोलक प्रोग्राम वाली ढोलक चाहिए तो मुझे मेरे नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, ये अच्छी क्वालिटी की ढोलक आपको मिल जाएगी। अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है मेरे से, वीडियो कॉल जो कि ये मेरी वीडियो से नहीं सीख पा रहे, मेरे से पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं, उसी नंबर पर मैसेज कीजिए या कॉल करके मेरे से बात कर लीजिए। ठीक है जी, तो अब हम बढ़ते हैं इस ठेके को सीख लेते हैं। आठ गिनती आपको समझ में आ गई, एक दो तीन चार, बस ये इसका ध्यान रखिएगा, ऐसे 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 बजाना है, क्योंकि अगर आप ऐसे ऐसे बजा दोगे ना तो फिर मुश्किल पड़ जाएगी, ऐसे ऐसे बजाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले पे बेस बजाना है, छह पे पहले उंगली मारनी है, सात पे आपको नॉर्मल बेस मारना है। देखो मैं बता देता हूं कहां कहां लगेगा, एक दो तीन चार, ये चार गिनती तो सबसे अलग कर लीजिए, इसको अच्छे से रियाज कीजिए, क्योंकि ये सिंपल है। होता है ना कि कमजोर शिकार कोई शेर पकड़ता है, तो ये थोड़ा कमजोर है, इसको बढ़िया से कर लीजिए, आधा काम हो जाएगा, फिर आधा काम तो कैसे भी कर ही लीजिए। देखिए, एक दो तीन चार, ठीक है, एक दो तीन चार, फिर उसके बाद पांच, छह पे पहली उंगली मारनी है, छह यहां पे हल्का सा लग रहा है, छह, फिर उसके बाद सात, फिर उसके बाद आठ। एक बार और दूसरी लाइन को समझते हैं, पांच छ सात आठ, कोई दिक्कत आई, एक बार और फिर से देखिए, पांच छ सात आठ हो जाएगा। अब पूरे लाइन को एक बार मैं समझाता हूं, यहां से बेस वाला हाथ दिखेगा, एक दो तीन चार, पांच छ सात। अब एक बार दोनों हाथ दोनों साइड से देखिए, मेरे साथ रियाज भी कर लीजिए, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, कैसे बजेगा, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मेरे पसंदीदा ठेके थे जो कि मैं प्रोग्राम्स के अंदर बहुत ज्यादा बजाया करता हूं, और ये पैटर्न बहुत ही ज्यादा सिंपल भी थे। इसके बाद और भी ठेके हैं जो कि मैं अगली वीडियोस में मैं आप लोग को ला के दूंगा, लेकिन वो थोड़े से मुश्किल है, इसलिए पहले सिंपल वाले कर लीजिए, आप अपने हाथ थोड़े से रमा लीजिए, आपके हाथ अच्छे हो जाएंगे,
फिर मेरी जब मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसको जल्दी से आप देख के उसको भी सीख लीजिएगा। तो इस वीडियो को जल्दी से बार बार रिपीट कर करके अच्छे से इस वीडियो को सीख लीजिए, अगली वीडियो जल्दी ही आने वाली है तो उसको भी सीखना है आप लोग को। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इस टाइप की ढोलक चाहिए तो मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, इस टाइप की प्लेन में नाली वाली कच्चा पक्का सब टाइप की ढोलके आपको मिलते हैं और प्रोफेशनल क्वालिटी में, ये नहीं कि नॉर्मल क्वालिटी में, तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोग को कैसी लगी।